आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की इस लाइव कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज पढ़ेंगे कक्षा द्वितीय विषय गणित अध्याय 12 प्रकरण सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। जो संख्या दी हुई है उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसके ऊपर अपने को गोला लगाना है। इसमें जो ये अध्याय 12 सबसे बड़ी संख्या के ऊपर गोला लगाइए आज अपन पढ़ेंगे, और अगले अपन चैप्टर में ये पढ़ेंगे सबसे छोटी संख्या के ऊपर घोड़ा लगे। आज केवल ये पढ़ेंगे सबसे बड़ी संख्या के ऊपर घोड़ा बनाइए। तो इसमें ये लिखा हुआ है सबसे बड़ी संख्या के ऊपर घोड़ा लगाइए। संख्याएं दी हुई हैं, जो समूह हैं इसमें पहले में जैसे ये 55, 46, 93, 87, 42, 53, 72, 69 इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसके ऊपर घोड़ा लगाएंगे। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी 93। तो इस 93 के ऊपर आपको घोड़ा लगाना है। फिर अगली जो है इसमें आप देखोगे 122, 172, 110, 156, 169, 147, 149 और ये 135 लिखा हुआ है। अब इसमें जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 199 ये सबसे बड़ी संख्या है। तो इसके ऊपर घोड़ा लगाओगे, 199 के ऊपर घोड़ा लगाना है। अब इसके बाद इसमें देखोगे तो 334, 363, 347, 315, 389, 322, 371, 356 जो सबसे बड़ी संख्या है उसके ऊपर आपको घोड़ा लगाना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 389 ये सबसे बड़ी संख्या है। इस प्रकार आपको जो संख्या है उसमें सबसे बड़ी संख्या है समूह की जो सबसे बड़ी संख्या है उसके ऊपर घोड़ा लगाना। जैसे प्रत्येक समूह में तो आप देखोगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 संख्याएं दी हुई है। कितनी संख्याएं दी हुई है? 8 संख्याओं का समूह है, और इन 8 संख्याओं के समूह में जो सबसे बड़ी संख्या है उसके ऊपर घोड़ा लगाना। पहले समूह में जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 93। कौन सी है? 93। पहले समूह की सबसे बड़ी संख्या 93 है, और अगला जो समूह अपन देखेंगे तो उसकी जो सबसे बड़ी संख्या है वो 199 है, और उसके बाद वाला जो समूह है उसकी सबसे बड़ी संख्या 389। तो पहले समूह की आप कौन सी संख्या के ऊपर घोड़ा करोगे? 93 के ऊपर करोगे। दूसरे समूह की 199 के ऊपर करोगे, और तीसरे समूह की जो संख्या वो सबसे बड़ी होगी 389 सबसे बड़ी होगी। तो ये जो आपको प्रश्न है ये अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंतर कक्षा कार्य में करना है, कक्षा कार्य में और सुंदर लेख में अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर करोगे। फिर जो ये गृह कार्य है ये भी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है, और इसमें भी प्रश्न यही है सबसे बड़ी संख्या के ऊपर घोड़ा लगाइए। इसमें भी जो संख्याएं दी हुई 8-8 संख्याओं का समूह है, इसमें आप देखोगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 संख्याओं का समूह है। इसमें सबसे पहले दिया हुआ 67, फिर दिया हुआ 77, 56, 46, 86, 36, 26 और 19 इसमें जो सबसे बड़ी संख्या उसके ऊपर घोड़ा लगाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये 86 ये सबसे बड़ी संख्या, इसके ऊपर घोड़ा लगाओगे। अगला जो दूसरा समूह है इसमें सबसे पहले 123, फिर 156, फिर 146, फिर 176, 143 और 152। अब सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी? 176 सबसे बड़ी है, तो 176 के ऊपर इसमें घोड़ा लगाना है। फिर जो तीसरा जो समूह की जो संख्या है इसमें कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? जैसे 275, 243, 213, 268, 293 और 271 सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 293 सबसे बड़ी है, इसके ऊपर घोड़ा लगाओगे। इसके बाद जो नंबर 4 की जो संख्या है इसमें सबसे पहले 567 है, फिर 555 है, फिर 543 है, फिर 581 है, फिर 567 और अंत में 541 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी 581, इसके ऊपर आपको घोड़ा लगाना है। और अंतिम जो है उसमें आप देखोगे तो ये 5 नंबर इसमें है सबसे पहले 479, फिर 431, फिर 444, फिर 435, फिर 467 और अंत में 489। तो आपको अंत में जो संख्या दी हुई 489 उसके ऊपर घोड़ा लगाना है। तो आपको ये जो दो प्रश्न है दोनों प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में करोगे। पहला प्रश्न ये है आपको ये कक्षा कार्य के रूप में ये करना है। इसमें संख्याओं के जो 3 समूह हैं
उसमें जो सबसे बड़ी संख्या उसके ऊपर गोला करना है। और ये जो है आपका ये ग्रह कार्य है, ये ग्रह कार्य में आपको ये प्रश्न करना है। सभी भैयाबीन अपनी अभ्यास पुस्तिका में ठीक और सुंदर लेख में जमा करके ये दोनों प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।